देखो मेरे पास इसका सोल्यूशन है 80% 20% 80% हमारा और 20% आपका। Yes. 20% मेरा जी मंजूर है मैं से भेजूं दे फोन इधर मैसेज मैं भेजता हूँ दे। अगर मुझे 20% चाहिए होते तो मुझे तुम लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की क्या जरूरत थी मुझे वैसे ही मिल जाता मैं गवर्नमेंट को 10 करोड़ के बारे में बता देता तो 20% ऑफिशियली मेरा फिर उसके ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से मेडल फिर टीवी और पेपर्स में इंटरव्यूज वगैरह वगैरह मैसेज भेजूं नहीं 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 मेरे पास एक और सोल्यूशन है 60-40 करते हैं 60 हमारा 40 आपका प्लीज दिस इज फेयर हमारी बैंड मत बजाइए कुछ तो छोड़िए हमारे लिए डन थैंक यू 60 तुम्हारा 40 में जी थैंक यू सर थैंक यू इस हिसाब से मेरे कितने पैसे हुए 1.5 करोड़ वो कैसे कैसे क्या 10 करोड़ का 60% कितना होता है 6 करोड़ बराबर और 6 करोड़ की 1/4 क्या हुई 1.5 करोड़ सिंपल है यार ये चौथा हिस्सा कहाँ से आया हाँ अरे 1, 2, 3 और ये चौथा है ना तुम दोनों तो एक ही यूनिट है ना पर वो तो मैं क्या वो तो अबे कल रात को तूने गाड़ी में कहा था कि तुम दोनों एक यूनिट हो इस हिसाब से 2-2 करोड़ 3 हिस्सों में बटेंगे समझा क्या अरे ऐसा थोड़ी होता है यार अच्छा पैसे देने का टाइम होता है लेने का टाइम नहीं होता है हेडलाइट के 6,000 भरने थे तब तुम दोनों एक यूनिट थे अब 6 करोड़ लेने हैं तब तुम दोनों अलग अलग हो गए 2 यूनिट अबे हट 3 हिस्सों में पैसे बटेंगे इसका एक मेरा और एक तुम दोनों का हाँ उस हिसाब से मुझे कितने पैसे मिलेंगे चुप 1 करोड़ बस 1 करोड़ कैसे यार 1.5 करोड़ उसके 1.5 मेरे 3 करोड़ तो एक पैसा कम नहीं लेंगे हम लोग बस बता रहा हूँ मैं क्या 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 जबरदस्ती है क्या हाँ जबरदस्ती तो अरे है तो क्या मतलब क्या है तो मतलब फोन देता एक मैसेज दबाता हूँ कमिश्नर के पास जाएगा समझा क्या अरे एक मिनट ये कमिश्नर बीच में कहाँ से आ गया मेरी बात सुनो अकलमंदी इसी में है कि तुम सब पैसे इक्वली बांटो और जल्दी करो उस हिसाब से मेरे कितने पैसे हुए सबके 1.5 करोड़ हुए और तुम्हें मंजूर है तो ठीक है अगर ऐसी बात है तो मुझे पापा के गाड़ी के 9,47,000 रुपए अलग से चाहिए अरे मगर क्या मगर मुझे ये पैसे 1.5 करोड़ से अलग चाहिए और तुम सबसे ठीक है रख ले अरे हलवाई रख ले अबे बमन जब तेरे बाप ने तुझे घर से लाख मार के बाहर निकाला था ना तब मैंने तुझे पाला पोसा तेरा रेंट भरा नहीं नहीं करके उसका 1-1.5 लाख रुपए खर्चा है वो भी जोड़ रहा है तो वो भी जोड़ना जो मैंने तुम लोगों को दारू पिलाया खाना खिलाया याशी कराई 80-90 हज़ार तो उसका भी होता है जोड़ो साले कर ली ना छोटी बात दिखा दी ना अपनी औकात तुम लोगों ने तू कौन से शहंशाह की बात कर रहा है भिखारी की औलाद साले तूने मुझे भिखारी की औलाद कहा साले तूने मेरे को धक्का मारा अबे दोस्त होके आपस में लड़ते हो भाड़ में गई दोस्ती हाँ भाड़ में गई साली दोस्ती अबे गधे मेरे को नहीं इसको मार दे दे फटका अबे फटीचर बॉक्सर देख के नहीं तेरे भाने अरे ये क्या लगा बैठा है शांति से बैठकर फैसला करो चलो फैसला हो गया जो पहले गोवा पहुंचा 10 करोड़ उसके खत्म तू क्या पहले पहुंचेगा भिखारी की औलाद तेरी तो तू उड़ के जाएगा क्या अरे बाप की गाड़ी की तो बैंड बजा दी हमने चुप ऐसे भाड़ा कर नशा तू कौन होता है मेरी जीप लेके जा रहे तेरी तो इंस्पेक्टर भी भाग गया तू कहाँ भाग रहा है बे मेरा पकड़ पकड़ मैं मेरे को क्या गधे के बच्चे मेरे को क्या पकड़ रहे उसको पकड़ हट हट उसको पकड़ चल यहाँ पे वो तो गया करोड़ चाहिए सालों को 10 रुपए देके नहीं हराम खोरों ने 10 साल लगाए मेरे बोस के पीछे एक तो ये पैसे को कौन हाथ लगा था देखता हूं पैसा हमसे कौन लेता है और 10 करोड़ हम लेके छोड़ेंगे आदि 10 करोड़ ले लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं चुप साला तू अपना माल समझ के रखा है
क्या देख रहा है? आगे देख। क्यों? तुझे देखने पे टैक्स लगा हुआ है क्या? देख, मैं तेरे को वार्न करता हूँ, आगे देख, वरना 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 क्या कर लेगा तू? हाँ, मैं देखूंगा तुझे, मैं देख लूंगा तुझे, मैं देखता रहूंगा तुझे। उखाड़ ले जो उखाड़ना है तुझे। हाँ, उखाड़ता क्या? उखाड़ उखाड़ना। टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके बम्पर, उसके टायर, उसके दरवाजों ने तेरे से रहम की भीख मांगी होगी बेरहम। माफ कर दो पापा, माफ कर दूँ तेरे को, मेरे बच्चे के कातिल को माफ कर दूँ ना, तारी बहन हरी भाई ले जाए और राम को। पापा जी, मुझे गोली मत मारिए, मेरे पास 10 करोड़ रुपए। क्या? 10 करोड़ रुपए? किधर है अंकल? एक्सक्यूज मी, सोफी अंकल, क्या है? प्लीज, आप प्लीज हमें गोवा छोड़ सकते हैं? यस यस, मैं कुछ पागलों को गोवा पागल खाने लेके जा रहा हूँ, आपको भी छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शब्बो, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? शब्बो शब्बो कहाँ चली गई? शब्बो अंकल, ये कौन है? ये शबनम का आशिक है, शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अच्छा, बड़े अफसोस की बात। हाँ, बहुत अफसोस की बात। चलिए चलिए, चलो भाई, चलो भाई। शबनम, अंकल ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। चल चल, बकवास की बातें करता है, टाइम वेस्ट कर रहा है। चलो 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 चलो, अंदर जाओ। ये कौन है? अरे यही तो शबनम है। आइए ना, छोड़ देती हूँ। हम कोई पार है जो तुम हमें छोड़ दोगी? मानव, ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम भाग, भाग। अरे अरे, अब चिकनी सुनना, मैं अच्छे अच्छे को छोड़ देती हूँ। रुको, हम सबको बुला रही है। अरे रुको भाई। ओह शिट, इंस्पेक्टर कबीर नायक, देख मैं तेरा कैसे मिसयूज करता हूं। ए चल, रोक रोक, पुलिस पुलिस, रोको रोको रोको। मामे, केला खाना था, कलिंगड़ खिला रहे हो। ये कोई कलिंगड़ है? दूसरा कलिंगड़ तो मीठा वाला, ए वाला दो मेनू तुसी।
नहीं चाहिए मैंने। ले यार दूजा दे। दूजा ले। ले। दस बार बोला। ओए खड़ी। ओए रुको। मेरी गड्डी ले गया। बाहर में जाए गड्डी। गड्डी के साथ गुड्डा भी चला गया। गड्डी में गुड्डू जी। यानी सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपया है। हाँ 10 करोड़ रुपया। हाँ पापा जी हाँ। और अगर ये तेरी बात झूठ निकली तो आप मुझे जान से मार देना। ना लायक मुझे ऑर्डर देता है। मैं ऑर्डर नहीं आपको सजेशन दे रहा था। मैं बेवकूफ मेरे को सजेशन देता है। अरे पापा जी टाइम वेस्ट मत कीजिए उन लोग पहले पहुंच जाएंगे। अब ये किस लिए? अरे तू काम की बात देर में बोलता है। जल्दी जल्दी करा मेरे को 10 करोड़ दिख रहा। पापा जी गोवा उस तरफ है आप इस तरफ क्यों जा रहे हो? अरे दिख रहा 25 किलोमीटर पीछे एयरपोर्ट है जल्दी पहुंचेंगे। अबे तू घूर क्या रहा है? चल अंदर चल ना। अभी चैन चल टिकट दे गोवा का जल्दी कर। अबे तेरी हम टिकट देते नहीं काटा देते हैं। ये कंडक्टर नहीं है डाकू है। डाकू ये बस हाईजैक हो चुकी है। लिफ्ट लिफ्ट बस। अरे रुका रुका रुका। नमस्कार बंधु। आप प्लीज हमको गोवा छोड़ देंगे? गोवा गोवा तो अभी तो गाड़ी रोकी है। थैंक यू। रुके पड़ो रुके पड़ो गोवा में रुके पड़ो बाहर वहां से। बढ़िया बढ़िया अंदर बैठ घुस। आपका तो दरवाजा हाथ में आ गया। कोई बात नहीं पकड़ के बैठ जाओ। क्या दरवाजा 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 गाड़ी चलती है ना। थैंक यू। हाँ लेट्स गो। चिंता मत करो अभी स्टार्ट हो जाएगा। आज ही स्टार्टर का काम कर रहा है अभी स्टार्ट हो जाएगा। ते पार्ची ना की होलो रे। की होलो नहीं वो की होल वो। अबे तू हम लोग को लिफ्ट देने के लिए बनाया टॉर्चर करने के लिए। उड़ी बाबा तेरी उड़ी बाबा के बच्चे क्यों इस मुर्दे में उंगली कर रहा है? चार भाइयों में नहीं चार कर लो मैं जाने के लायक। थप्पड़ मारो पकड़ के। उड़ी बाबा। अरे क्या उड़ी बाबा उड़ी बाबा है चलती तो है नहीं। उड़ी बाबा उड़ी बाबा चल मारो निकल मारो। ये गाड़ी को बेच कर थोड़े पैसे डालकर सेकंड हैंड रोलर स्केट ले लो। वो धूम में जो रीति लगाने चलाए थे कम से कम चलेंगे तो सही। खदार गाड़ी लेके घूमता है साले घटिया आदमी। ऊपर से लोगों को बुरा बुला के परेशान करता है। बाहर में गया मुझे नहीं जाना देता तू साला। दादा गोवा गोवा। ए मचान झोल तो खड़ी हमारी हमारी मां झोल नहीं करती थी। अरे मार मार गोली दे दिया पहुंची गोली बोला चल मस्ती करी तू तेरा बाप बच्ची का पच्ची गड़ी खा के तुझे जुल्लाब लगेंगे। चल इधर और गाड़ी देखना। अरे कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। मेरा नाम देशबंधु रॉय है। लिफ्ट लेने के चक्कर में इस बस में आगे रोड पाती अपनी ले लिया यार। चुप बे। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। 2 साल
20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते कहा है। समझ में आया मैं कौन हूँ। अब बाबू भाई आपने 2 साल में 20 रॉबरी किया, आपका दूसरा नाम आतंक है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? कौन हो गद्दार जो हमारी तेज नजरों से बचा हुआ? कौन भाई आप फिर से प्रश्न कर रहे हो? तुमसे तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले इस बबुआ की तलाशी लो। तेरी आई कार्ड पढ़ तो बे, क्या लिखा है? इंस्पेक्टर कबीर नायक। पुलिस वाले को सलाम करता है और यहाँ का बैठा, चल उधर। कार्ड में फोटो भी नहीं है। अंडरवियर ऑफिसर बाबू भाई, अंडरवियर नहीं, अंडर कवर ऑफिसर इंग्लिश। बाबू भाई को अंग्रेजी सिखा रहा। बांध के डाल दो पीछे साले को। रोते नहीं। अरे रोते नहीं यार। ये रोना बंद कर, नहीं तो सड़क पे फेंक दूंगा। अरे बच्चे, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। देख, एक टाइम मुझे गोवा पहुंचते थे, एक टाइम 10 करोड़ का सवाल है, 10 करोड़ का। देख अगर मुझे 10 करोड़ मिल गए ना, उसमें से 1 करोड़ तेरे को दे दूंगा। अरे ज्यादा चाहिए, चलो 2 करोड़ दे दूंगा, चल 3 करोड़ देता हूँ। अरे फिर कितने चाहिए? दस करोड़। अरे मैं हमको गोवा जाना है, कोई फ्लाइट है? यू आर लेट सर, गोवा की आखिरी फ्लाइट 15 मिनट पहले ही निकल चुकी है। अरे ओके, दूसरी कोई फ्लाइट होगी? कल तक कोई फ्लाइट नहीं है सर। अरे कोई प्राइवेट प्लेन? नो सर। कोई नहीं? अरे बाबा पापा जी। हाँ? जो आप क्या बोल रही है, प्राइवेट प्लेन तो खड़ा है। प्लेन खड़ा हुआ है मगर पायलट तो लेटा हुआ है ना। लेटा हुआ है? किसके साथ, कहाँ लेटा है? सर हेलो, हेलो सर, हेलो मिस्टर ड्राइवर, उठाइए। अरे अरे हेलो ड्राइवर जी, ओ ड्राइवर जी, अरे कुंभकर्ण भाई लागे चे भाई। अरे ड्राइवर, ये ऐसे नहीं उठेगा, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। अरे ओ ड्राइवर, ओ मिस्टर ड्राइवर, क्रैश 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 नहीं, क्रैक होगा। देखो आप लोग कौन है यार? बम्मन नारी सर, हमें गोवा लेकर चलिए प्लीज। सॉरी आज मेरा हाफ डे। हमें गोवा ले तो चलिए, हम आपके हाफ डे को फुल डे कर देंगे। अरे नहीं बोला ना, मैं नहीं, बस सर मना मत कीजिए सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में, गोवा के हॉस्पिटल में। चलिए ना सर, आपको आपकी माँ का वास्ता। माँ, माँ जो माँ मुझे पैदा होते ही छोड़ के चली गई उसका वास्ता देते हो? तुम्हारी माँ का वास्ता अपने पास ही रखो। माँ का नहीं, मामा का वास्ता दिया था। मामा का वास्ता I'll kill you। मेरा मामा कंस और शकुनी का भी बाप था, खाने को गाली और पीने को पानी के अलावा कुछ नहीं दिया कमीने ने, और ऐसे एक मामा का वास्ता दे रहे साले। बाप का वास्ता मत देना क्योंकि आज तक मुझे ही पता नहीं है कि मेरा बाप कौन। मेरा घटिया बाप मेरी माँ को माँ बना के चला गया था, मालूम है? माँ को माँ बना के? अरे बिन ब्याही माँ यार। अगर एक बार वो मुझे मिल जाए ना तो I will chop his legs। सर आपको आपके इसका वास्ता दे सकते हैं? अरे यार ये क्या कह दिया तुम लोगों ने, क्या हुआ? अरे इसका वास्ता तो मुझे जन्म तक ले जा सकता है। बोलो दोस्तों कहाँ जाना है? गोवा। Bike, 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 bike.
अरे क्या करे आप? अरे चाय तो गिरी और क्या होगा? बाइक वाला किधर? बाइक वाला किधर? बाथरूम में, बाथरूम में। आ जाओ बाथरूम में। धुम्मा चाले। बाइक की चाबी निकाल। अबे बैठ क्या करे? बाइक की चाबी निकाल। चाबी निकाल। बाइक की चाबी। चाबी दो यार। किधर किधर किधर? अबे मैं धुआं की चीज़ मैं। अबे तेरी तो बंदर का नाच चल रहा है। मानो देख पट का यार। प्लीज चाबी दो यार। सॉरी भाई साहब, वो हमको पता नहीं था ना कि वो बाइक आपकी नहीं है। बाइक मेरी नहीं थी तो इतना मारा। अगर मेरी होती तो कितना मारता। चल गया, निकल निकल भाग यहां से। तू पूछ तो ले रहा यार बाइक उसकी है कि नहीं। सुन तो लेते कि वो तू बहस कर रहा है मेरे साथ। मुझे सिखाएगा तू? तेरे वजह से वो बाइक चली गई। बता, वो बाइक अगर होती ना फटाफट हम लोग गोवा पहुंच गए होते। तेरे वजह से ना वो जैकेट वाले को हम लोगों ने पीट दिया। शरीफ आदमी था वो। आदमी क्या? आदमी इधर देख, इधर देख। उल्लू का पट्टा लग रहा हूँ मैं। वो आदमी है पैजामे कुर्ते में, बाइक पे बैठा निकल लिया। खड़े हम लोग यहीं पे। आधी आधी बोल तो रहा था। आधी आधी बोल रहा था। गाड़ी गाड़ी नहीं बोल सकता था। I'm not so smart ना, मम्मी। बंद कर, रोना बंद कर। जब गिरा। विद्यार्थियों ने तो देश की हालत हालत चौपट कर दी है। हाथ का जोड़ है ये साली। खोल के निकालो रुपया। नहीं देख कान के नीचे भी खींच के। ये कहा है? ये बंदूक है। हैंड्स अप। अपनी बंदूक के नीचे बैठ जाओ। हाँ ड्राइवर भाई, गाड़ी रोक दो। बता रहे हैं बाबू भाई से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अबे सस्ती चीजों का शौक तो मुझे भी नहीं है। बाबू भाई से बदतमीजी मत करियो। मुझे मारा तो मारा, अगर तूने बाबू भाई के हाथ लगाए ना तो बाबू भाई की। ए इंस्पेक्टर, समझा देता हूँ तुझे मैं। तू क्या समझेगा बे? अभी मेरे को मारा तो ठीक है, पर अपने बाबू भाई को मत मारना प्लीज। बाबू भाई की माँ की। इंस्पेक्टर, तेरी तो मेरे को मारा तो ठीक है, पर बाबू भाई का कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। कर कर जो तुझे करना है, करना। हाँ तो करूंगा ना, तू क्या मुझे रोकेगा? साले दो कौड़ी के डाकू, साइकिल लूटने की औकात नहीं है तेरी, और बस लूटने चला है। हाँ तो साले गोली जितनी साइज है तेरी, बंदूक उठाते तुझे शर्म नहीं आती? अबे तेरे जैसे को तो मैं हर शनिवार को 5 हरी मिर्चों के साथ अपने घर के बाहर लटकाता हूँ, समझा ना भाई? नीमू बोल रहा है आपको। मालूम है। ठीक से बांधा कर यार, आदमी खुल जाता है फिर उससे ऐसी वैसी हरकतें सुस्ती है। ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं बाबू भाई, चल बांध बांध बांध। भागने लग पाए, भागे ना कहाँ से ससुर का नाते। ना ये गाड़ी चलने के लायक है, ना तू कहीं ले जाने के लायक है। मेरा बंदोबस्त हो गया, तेरा बंदोबस्त करता हूँ। अरे भाई साहब पकड़िए इसे। अरे लेकिन अरे पकड़िए, बहुत अर्जेंट है बाथरूम। अरे अभी 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 आ रहा तेरा पापा। गुड्डू गुड्डू
आधे घंटे के अंदर हम गोवा में होंगे। चेंज कर चेंज कर चेंज कर यार हिस्ट्री पकड़ो ये क्या कर रहे हैं अरे लड़की इधर आ इधर आ अरे इधर बैठ बैठ सर बैठ सर हाय अरे ये बमन कैसे हवाई जहाज उड़ाएगा शट अप यू शट अप अरे पायलट साहब अरे मिस्टर ड्राइवर से इमोशनल कर दिया ना तुमने उसको गाना चलाने की क्या जरूरत थी यार अरे ये तो फिर से दारू पीने लग गया ये सब तेरी वजह से हुआ भाग गया बेचारा बेटा के पकड़ थैंक गॉड वो बच्चे से पीछा छूटा गार्डन में हूँ बेटा गार्डन में अबे हैंगिंग गार्डन में